हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया गया। शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे एवं महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री व प्रदेश कांग्रेस व्यापारी उद्योग सेल के अध्यक्ष अतुल कुटेचा के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम ने आंदोलन किया। इस आंदोलन के माध्यम से मोदी सरकार के खिलाफ अग्रसेन चौक सीए रोड पेट्रोल पंप पर जोरदार नारेबाजी की गई। इस अवसर पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के नेता अतुल कुटेचा ने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छूने लगे हैं। व्यापारियों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोज बढ़ते खाद्य तेलों के दामों पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस नेता अतुल कुटेचा ने केंद्र सरकार को आगाह किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेगा। आंदोलन में वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष रमन पेगवार, दिलीप चांदपुरकर, मदन गौर, नागेश आसानी आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण मुख्य रूप से उपस्थित थे। वर्धमान नगर में परिसर की महिलाओं ने संजय मालू के निवास परिसर में धूमधाम से गणगौर पर्व मनाया। इस अवसर पर भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर मूर्तियों को सजाकर भ्रमणार्थ परिसर में बाजे के साथ नृत्य कर कीर्तन करते हुए पदयात्रा निकाली गई। यात्रा समापन के बाद सखियों ने प्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम के सफलतार्थ आदिति झवर, संतोष मालू, अनिता मालू, पुष्पा देवी मालू, सरिता मंत्री, किरण मालू, स्वाति मालपानी, मीनू तोतला, संगीता बजाज, अनु शर्मा, संगीता सारडा, विमला मालू, प्रेमल चांडक, अतिराज मालू, रितु मालू, सुप्रिया काबरा, शीतल सारडा ने प्रयास किया। हिवरीनगर नागनाले में मल शुद्धिकरण केंद्र द्वारा नाले में काम करने हेतु मट्टी डालने से वहां पानी का बहाव रुक गया है और गंदगी बढ़ गई है, जिसके कारण पर्यावरण खराब हो रहा है और मच्छर बहुत ज्यादा होने से स्थानीय निवासियों में बीमारी फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल एवं भाजपा पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी के नेतृत्व में स्थानीय नागरिकों ने पुलिया का दौरा कर मल शुद्धिकरण केंद्र के ऑपरेशन हेड अमित दुबे को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नाले की साफ सफाई करके पानी सुचारू रूप से बहाव हो सके ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया गया है। इसके पहले स्थानीय नागरिकों ने कई बार ज्ञापन सौंपे थे और प्रशासनिक अधिकारियों को मामले की गंभीरता से अवगत कराया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिया के नीचे पानी का बहाव रुकने से पानी के साथ काफी कचरा भी जमा हो गया है। ज्ञापन सौंपते समय अग्रवाल, प्रकाश कोठारी, इंदर हाड़ा, मनीष उदासी, राकेश अग्रवाल, निरंजना शर्मा, गंगाराम लिंबानी, किशोर पारेख, अनिता अग्रवाल आदि नागरिकगण उपस्थित थे। वीएमवी कॉमर्स, जेएमटी आर्ट्स और जेजेपी साइंस कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग ने हाल ही में बीएससी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता के विषय भौतिकी पाठ्यक्रम से लिए गए थे। इस प्रतियोगिता से लगभग 115 छात्र लाभान्वित हुए थे। छात्रों ने सीखा कि इस मंच का उपयोग अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के लिए कैसे किया जाए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नेहा खोटोले, डॉक्टर बी टी बोरकर, जी सी वंडिले, डॉक्टर ए के नंदनवार गजभिये, डॉक्टर एन बी शिंदे, प्राचार्य डॉक्टर एम जी चांदेकर और डॉक्टर एस आर चौबे के कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के प्रदर्शनकारी कला विभाग के अभिनय एवं मंच विन्यास कोर्स के पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने व्यवहारिक परीक्षा के अंतर्गत सीता बनवास नाटक की सफल प्रस्तुति की। नाटक का मार्गदर्शन नाटक कला विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. विधु खरे दास द्वारा किया गया। व्यवहारिक परीक्षा के परीक्षक के रूप में डॉ. सतीश पावड़े उपस्थित थे। इस नाटक में विक्की कुमार, दुर्मुख, अनुरूप कुमार, राम, संचिता भावसार सीता, अश्वजीत भित्रे रजक, कपिल बहादुरे रजकी, नीरज आगलावे एवं चेतन राउत लव तथा कुश, अनिकेत पिंदाम एवं आयुषी चांदेकर नागराज आदि ने विविध भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए नाटक को जीवंत बनाया। प्रकाश विन्यास नीरज कुमार, प्रवीण कुमार पांडेय एवं नीरज आगलावे, मंच विन्यास में विश्वजीत भित्रे, संगीत विन्यास में अभिनय गौतम, रूप सज्जा में आयुषी चांदेकर तथा विशेष सहयोग में स्वराज तथा प्रवीण कुमार पांडेय आदि ने नाटक के सफल आयोजन में सहयोग किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी कला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश भारती ने कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार के प्रति उनके विशिष्ट मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में विदर्भ सेवा समिति की ओर से सिविल लाइन स्थित चिटनविस सेंटर में 2 अप्रैल को शाम 6:30 बजे रामचरितमानस में राम का मानव संसाधन प्रबंधन व सामाजिक अभियांत्रिकी कौशल विषय पर डॉक्टर विजय उमेश शर्मा का व्याख्यान आयोजित किया गया है। व्याख्यान में प्रवेश निःशुल्क है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव रहेगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विजय शर्मा के काव्य संग्रह सृष्टिकुंड सहित उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। वे ज्ञानवर्धिनी शिक्षा अनुसंधान ट्रस्ट के संस्थापक है। लेखन पठन के साथ ही शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत में उनकी विशेष रुचि है। शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड के प्रवर्तक एवं मार्केटिंग निदेशक होने के साथ ही वे औषधि व्यवसाय से गत 40 से अधिक वर्षों से संलग्न है। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य डॉक्टर विजय शर्मा ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट स्किल्स के नेशनल ट्रेनर है। वर्धमान नगर स्थित VMV वाणिज्य JMT कला एवं JJP विज्ञान महाविद्यालय में हाल ही में जर्मन भाषा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 565 विद्यार्थियों ने अपना ऑनलाइन नामांकन किया। कार्यशाला में 169 विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से तथा लगभग उतने ही जूम लिंक के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थित थे। आयोजकों के लिए छात्रों का फीडबैक काफी अच्छा रहा। छात्रों ने भविष्य में भी इस तरह की और कार्यशाला का आयोजन करने की मांग की। रिसोर्स पर्सन के तौर पर मयूरी फुलवाले को आमंत्रित किया गया था। इस विचार की अवधारणा टीचिंग लर्निंग एंड इवेल्युएशन समन्वयक डॉक्टर सविता देवगिरकर ने IQAC VMV कॉलेज नागपुर के सहयोग से तथा प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर के कुशल मार्गदर्शन में की थी। कार्यशाला की अध्यक्षता IQAC निदेशक डॉक्टर शुचिस्मिता मिश्रा ने की। सूत्र संचालन डॉक्टर सविता देवगिरकर ने तथा डॉक्टर नितिन शेवाने ने औपचारिक आभार प्रदर्शन किया। इस संवादात्मक कार्यशाला में बड़ी संख्या में छात्र एवं शिक्षकगण शामिल हुए। शहर में अप्रैल की शुरुआत से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए पूरे दिन स्कूल खुला रखना संभव नहीं है। सरकार के निर्देशानुसार छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 से नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 9वीं व 11वीं के कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक शुरू रहेंगी। शहर में कोरोना का प्रसार दिन ब दिन कम होता जा रहा है और सभी प्रतिष्ठानों कार्यक्रमों पर लगे कोरोना संबंधित प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। छात्रों को कोरोना के प्रकोप से हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। रविवार को स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों को जारी रखा जा सकता है। कक्षा 1 से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए परीक्षा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जानी चाहिए और मई के महीने में परिणाम घोषित किए जाने चाहिए, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने आदेश जारी करते हुए कहा। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि निजी कंपनियों के फायदे के लिए पिछले 2 साल से बिजली मीटरों की किल्लत पैदा की जा रही है। आमतौर पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड महावितरण से किसी भी उपभोक्ता के मीटर के खराब होने या खराब होने की स्थिति में नए मीटर लगाने की उम्मीद की जाती है। गर्मी के दिनों में मीटर खराब होने की समस्या अधिक होती है। हालांकि मौजूदा सरकार की देखरेख में ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं को खुले बाजार से मीटर खरीदने के लिए निर्देशित करती है। बावनकुले ने आरोप लगाते हुए कहा, महावितरण नया 3-फेज मीटर 1596 रुपए में और सिंगल फेज मीटर 944 रुपए में सप्लाई कर रहा था। बाजार में मीटर की कीमतें क्रमशः 4000 रुपए और 1800 रुपए है। इसके बाद भी उपभोक्ता से कनेक्टिंग चार्ज वसूला जाता है। बावनकुले ने कहा कि प्रदेश में नए कनेक्शन के लिए करीब 10.57 लाख आवेदन लंबित है। इनमें से करीब 2.2 लाख कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क पहले ही उपभोक्ता जमा कर चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है।
शहीद अब्दुल हमीद उर्दू उच्च प्राथमिक शाला प्रशासन द्वारा शाला पूर्व तैयारी की जा रही है। हाल ही में शहीद अब्दुल हमीद उर्दू उच्च प्राथमिक शाला यशोधरा नगर के सभी के अध्यापक गण नॉन टीचिंग स्टाफ तथा पहली से लेकर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह पूर्वक बाजा बजाते हुए एवं लेजिम करते हुए घर घर जाकर संदेश दिया कि अब घर पर कोई बच्चा नहीं रहेगा, सब साथ मिलकर स्कूल जाकर पढ़ेंगे। यह संदेश देते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मुख्याध्यापक द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। शाला में एक विद्यार्थी का भाषा, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक के दृष्टिकोण से विकास होता है। पालकों और विद्यार्थियों का ध्यान स्कूल की ओर आकर्षित हो, इसके लिए शिक्षक शिक्षिकाओं ने यह अनोखा प्रयास किया। वाड़ी विश्व अम्बेडकरवादी साहित्य महामंडल की ओर से दीक्षा भूमि के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। इस समारोह में राज्य व देश से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसी के अंतर्गत वाड़ी धर्मकीर्ति निवासी साहित्यिक व कवि माणिक खोबरागड़े द्वारा लिखित काट्याने दिले शहाणपण इस पुस्तक को राज्य स्तरीय दया पवार पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी के साथ डिफेंस स्थित जिला परिषद हाईस्कूल में दीर्घकाल से सेवा देने वाले पूर्व शिक्षक विजय थूल, वाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता और प्रियदर्शनी शिक्षा महाविद्यालय सोनेगांव के प्रोफेसर सुभाष खाकसे को भी उनके शैक्षणिक सामाजिक कार्य हेतु डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों सत्कार मूर्तियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्रम, विशेष अतिथि धम्मगुरु भंते सुरई ससाई, पूर्व IAS अधिकारी किशोर गजभिया के हाथों आयोजन महामंडल के अध्यक्ष दीपक कुमार खोबरागड़े, कार्याध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कामले, कार्यवाह डॉक्टर रविन्द्र तिरुपुड़े, महामंत्री सुजीत मुरमाड़े, डॉक्टर विनय राउत की उपस्थिति में पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलने का मत इन सत्कार मूर्तियों ने व्यक्त किया। इस पुरस्कार पर वाड़ी के पूर्व नगर सेवक नरेंद्र मेंढे, राजेंद्र कामले, अशोक वासेकर, अमित तायडे, राहुल सोनटक्के, अतुल शेंडे, विलास वाटकर, सुजीत नितनवरे आदि पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के तहत डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर मेले में आने जाने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा निम्न गाड़ियों का ठहराव डोंगरगढ़ में स्टेशन अस्थायी रूप से कल 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक प्रदान किया जा रहा है। लायंस क्लब ऑफ नागपुर ऑरेंज सिटी अपने अभिनव सामाजिक कार्य के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक अभिनव सामाजिक कार्य क्लब के पिंटू मेहाड़िया ने उनकी बहन स्वर्गीय नीलम ब्रिज मोहन अग्रवाल के प्रथम पुण्य स्मरण में अन्नदान करके किया गया। यह कार्यक्रम 28 मार्च को दीनदयाल थाली केंद्र मेडिकल कॉलेज में अन्नदान करके उनको याद किया गया। अन्नदान उपक्रम में लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर के MGF पिंटू मेहाड़िया, लॉयंस क्लब ऑफ नागपुर ऑरेंज सिटी की VP1 पूनम मेहाड़िया, पति ब्रजमोहन अग्रवाल, बेटे ऋषि अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, बहू शिप्रा अग्रवाल और पोता और पोती साधी, अंश, राधे भाई उपस्थित थे। इस अन्नदान कार्यक्रम में अग्रवाल परिवार की ओर से 100 किलो आटा, 2 पीप तेल, 50 किलो चावल और 25 किलो दाल, 50-50 किलो आलू प्याज और 500 रसगुल्ला यह अन्न सामग्री दी गई। दीनदयाल उपाध्याय थाली केंद्र के संचालक कुणाल मुलमुले का स्वागत पिंटू मेहाड़िया ने किया। केंद्र के संचालक कुणाल मुलमुले ने केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र में रोज 800 से 900 लोग केवल 10 रुपए में भोजन करते हैं। पेशेंट के परिवार की ओर से और दीनदयाल उपाध्याय थाली केंद्र की ओर से अन्न सामग्री देने पर कुणाल मुलमुले ने अग्रवाल परिवार का आभार माना। यह विचारणीय आवश्यकता है कि देश में अनुमानित 20,000 करोड़ रुपए की जकात का उपयोग गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन के साथ ही शिक्षा के बढ़ावे में होना चाहिए। इसके सही आकलन की आवश्यकता है। ये विचार इस्तकबाले रमजान कार्यक्रम में डॉक्टर अनवर सिद्दीकी ने अध्यक्षीय भाषण में कहे। यह कार्यक्रम जमाते इस्लामी हिंद नागपुर वेस्ट के तत्वावधान में जाफरनगर के टीचर्स कॉलोनी में स्थित मरकज इस्लामी सभागृह में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर ख्वाजा इजहार अहमद ने बताया कि इस्लाम हमें जकात व्यवस्था की स्थापना का आदेश देता है। गरीबों, जरूरतमंदों, बंदियों और कर्ज की परेशानियों को दूर करने में जकात की मुख्य भूमिका है। भारत में इस्लामी वित्त प्रणाली के अंतर्गत जकात प्रणाली लागू करने से गरीबी दूर करना बहुत सरल हो सकता है। उन्होंने जकात के सामूहिक वितरण के लाभों पर भी प्रकाश डाला। रमजान के नियम, धर्मपरायणता, रमजान की रहमत, मगफिरत और मोक्ष के पहलू कियामुल लैल के बारे में उपस्थितों के प्रश्न शाकिरुल अकरम फलाई ने मुफ्ती नूरुल्लाह कासमी से किए। उन्होंने इसके जवाब दिए। डॉक्टर आसिफ उजमा खान ने जमाते इस्लामी हिंद की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नूरुल अमीन ने किया।
एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना की ओर से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार 31 मार्च को महाराष्ट्र की कला परंपरा विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल ने कहा कि भारतीय कला परंपरा पुरानी और अगाध है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यव्रत राउत ने ओडिशा की कला परंपरा और विशिष्ट वक्ता के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय की लोक कला अकादमी के डॉक्टर गणेश चंदन शिवे ने महाराष्ट्र की कला परंपरा पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर शुक्ल ने कला और जीवन के अंतर संबंधों पर बोलते हुए कहा कि कलाएं एक और श्रेष्ठ है, उसका आधार संस्कृति है। उन्होंने अजंता और एलोरा की कला का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे कलाकारों का जीवन ही कला के लिए समर्पित रहा है। डॉक्टर गणेश चंदन शिवे ने महाराष्ट्र की समृद्ध संत परंपरा और कला पर अपने विचार रखते हुए कहा कि महाराष्ट्र में संत चक्रधर स्वामी, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम और एकनाथ आदि संतों ने सामाजिक सुधार का कार्य किया है। उन्होंने भारूड की वाद्यों के साथ संगीतमय प्रस्तुति कर कला परंपरा से अवगत कराया। नागपुर महानगर पालिका में सोमवार 4 अप्रैल को शाम 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मनपा मुख्यालय में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार सिविल लाइन्स नागपुर में लोकशाही दिन आयोजित किया जा रहा है। अतः तमाम संबंधित नागरिकों को लिखित या अन्य रूप में अपनी शिकायतों को मनपा अधिकारियों के समक्ष रखने का आह्वान किया गया है। गुरुवार की सुबह क्रीडा चौक से मेडिकल चौक के बीच उस समय लोगों में अफरा तफरी मच गई जब खचाखच भरी आपली बस में सड़क के बीच ही आग लग गई। चालक की सूझबूझ के चलते बस खचाखच भरी होने के बाद भी बस पूरी तरह आग के लपटों में आने से पहले किसी तरह 45 से अधिक यात्रियों को उतार दिया गया। घटनास्थल पर दमकल विभाग के पहुंचने से पहले बस का काफी हिस्सा आग में स्वाहा हो गया। उल्लेखनीय है कि मनपा ने बसों के संचालन के लिए 3 ऑपरेटर की नियुक्ति की है। इसके अलावा बसों के संचालन के लिए डिम्स कंपनी की नियुक्ति अलग से की। डिपो से निकलने वाली बसों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही उसे परिवहन के लिए भेजने की जिम्मेदारी इस कंपनी पर है। इसके अलावा बसों का रखरखाव करना ऑपरेटर की जिम्मेदारी है। ऑपरेटर और डिम्स कंपनी की लापरवाह कार्यप्रणाली के चलते ही लगातार गत कुछ दिनों से बसों के जलने की घटनाएं होती जा रही है, जबकि मनपा का परिवहन विभाग कुंभकर्णी नींद में है। जीरो मेंटेनेंस के कारण ही इस तरह की घटनाएं होने की जानकारी सूत्रों ने दी। इन दिनों विदर्भ में तापमान बढ़ गया है, यही वजह है कि दिन भर के लिए स्कूल शुरू रखना संभव नहीं है। जिलाधिकारी आर विमला व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सरकार के निर्देशानुसार शुक्रवार से जिले और मनपा क्षेत्र के सभी स्कूलों में पहली से नवीं और ग्यारहवीं कक्षा की कक्षाएं सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक शुरू रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिलाधिकारी के आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में परीक्षा लेने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शिक्षा आयुक्त ने कहा है कि जिन स्कूलों का सिलेबस पूरा हो चुका है वे परीक्षा ले सकते हैं। यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ तो फिर तीसरे सप्ताह में परीक्षा ले सकते हैं। भले ही स्कूल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही क्यों न हो, लेकिन इसे पूर्णकालिक माना जाएगा। छात्रों की उपस्थिति को 100% करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वही सिटी के स्कूलों को अप्रैल के तीसरे सप्ताह में परीक्षा लेकर मई में परिणाम घोषित करने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर स्कूलों में संभ्रम बना हुआ है। एसटी महामंडल द्वारा बीते दिनों बर्खास्त किए गए कर्मचारी नौकरी पर लौटने लगे हैं। अधिकारियों के अनुसार 1 अप्रैल को 36 वेतनभोगी कर्मचारी काम पर लौटेंगे। इससे पूर्व 6 कर्मचारी पूर्व में ही काम पर लौट चुके हैं। उल्लेखनीय है कि महामंडल ने करीब 90 वेतनभोगी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया था, लेकिन बाद में सरकार ने बिना किसी कार्रवाई के सभी को नौकरी पर लौटने का ऑफर दिया, जिसके बाद कर्मचारी धीरे धीरे नौकरी पर लौटने लगे हैं। अधिकारियों की माने तो अभी भी 30 कर्मचारियों के आवेदन पेंडिंग है, वे भी जल्द नौकरी ज्वाइन करेंगे। कुछ कागजी प्रक्रिया चल रही है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों के नौकरी पर ज्वाइन करने से एसटी बसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल करीब 150 के आसपास बसें चलाई जा रही है। महामंडल के अधिकारियों के अनुसार उन्हें करीब 350 से अधिक बसें चलानी है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप है। जैसे जैसे एसटी कर्मी नौकरी पर लौटते जाएंगे वैसे वैसे ये व्यवस्थाएं भी दुरुस्त होती जाएंगी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।